बहुत ही चटपटी आलू चना चाट की रेसिपी लेके आया हूँ दोस्तों। बहुत ही शानदार, मज़ा आएगा देखने में भी, आपके साथ मुंह में पानी आ रहा होगा ना। और इसे आप अगर वेट लॉस करना चाह रहे हैं ना तब भी इसे यूज़ कर सकते हैं, बहुत आसानी से बन जाएगी और पूरे परिवार को बहुत पसंद आएगी। कलर देखिए, स्ट्रक्चर देख लीजिए, बनाना कैसे है वो तरीका मैं आपको बताता हूँ। तो वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं किस तरह से हम बनाते हैं आलू चना चाट। बहुत शानदार रेसिपी है, इस वीडियो स्किप मत करिएगा। तो यहाँ पर मैं ले रहा हूँ 1 कप हमारे काले चने, जी हाँ काले चने ले रहा हूँ। और ये ध्यान रखिएगा काले चने ही इसके अंदर लेने हैं। ये नहीं कि कई लोग मुझसे सवाल भी करते हैं कि साहब काले चने लेने हैं, पीले वाले चने लेने हैं, येलो वाले लेने हैं, मतलब मोटे लेने हैं, पतले लेने हैं। हमें काले चने ही लेने हैं और इसे हमें भिगोना है। जी हाँ, अगर मेरे पास अभी टाइम है इसलिए मैं इसको रात भर पानी डाल के भिगो रहा हूँ। अगर टाइम नहीं हो तो आप इसे 1 घंटा गर्म पानी के अंदर भिगो लीजिए, तब भी ये तैयार हो जाएंगे। लेकिन मेरे पास टाइम है, फुर्सत है, तो मैं इसको 2-3 बार अच्छी तरह से पानी से धो रहा हूँ, जिससे अंदर कोई केमिकल वगैरह हो ना वो सब इसके अंदर से निकल जाए। और इसे पानी डाल के मैं रात भर इसे भिगोने के लिए छोड़ दूंगा। और मैंने आपको बताया तरीका, रात भर नहीं भिगोना चाहते, जल्दी बनानी है आपको, तो 1 घंटा गर्म पानी भिगो दीजिए। देखिए चने फूल के हमारे बिल्कुल अच्छी तरह से वो हो चुके हैं और मैं आपको दिखा देता हूँ, ये सॉफ्ट भी हो चुके हैं, टूटने से भी टूट रहे हैं देखिए इस तरह से। तो बस अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। यहाँ पर कुछ सब्जियाँ ले रहा हूँ, एक मैं ले रहा हूँ यहाँ पर प्याज, मीडियम साइज़ का प्याज ले रहा हूँ, 3 हरी मिर्ची ले रहा हूँ, 2 टमाटर ले रहा हूँ, लेकिन देसी टमाटर ले रहा हूँ तभी इसका स्वाद बहुत अच्छा आएगा। और यहाँ पर 1 खीरा ले रहा हूँ, आप चाहे देसी खीरा भी ले सकते हैं। तो ये खीरा एक मैंने लिया, इनको सबको बारीक चॉप करना है, जी हाँ बारीक चॉप करना है। तो सारी सब्जियाँ देखिए मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर ली है, आपको अगर बारीक चॉप करनी है तो बारीक कर लीजिए, थोड़ी मोटी रखनी तो मोटी रख लीजिए। चलते नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। यहाँ पर मैं 3 मीडियम साइज़ के आलू ले रहा हूँ जिनको मैंने बॉयल कर लिया है, जी हाँ बॉयल आलू है, कच्चे आलू नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। कौन से शहर से वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो बस आलू को भी हमें क्या करना है, छोटे छोटे पीसेस में काट लेना है। अगर आपको पीस ज़्यादा बड़े रखने हैं तो अपने हिसाब से काट सकते हैं बड़े पीस, लेकिन मैं इनको ज़्यादा बड़े नहीं रख रहा हूँ, ज़्यादा छोटे भी नहीं रख रहा हूँ, ज़्यादा बड़े भी नहीं रख रहा हूँ, मीडियम साइज़ के आकार में इसको काट रहा हूँ। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो दोस्तों वीडियो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। तो आलू हमारे कट चुके हैं ये, अब हम कुछ मसाला बना लेते हैं। तो यहाँ पर 1 टीस्पून ले रहा हूँ कश्मीरी लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून ले रहा हूँ इसके अंदर हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून ले रहा हूँ इसके अंदर हमारा धनिया पाउडर, और 1/2 टीस्पून ले रहा हूँ इसके अंदर गरम मसाला पाउडर, अच्छा तीखा बनाएगा इसके अंदर। 1 टीस्पून ले रहा हूँ भुनी हुई कसूरी मेथी, बहुत शानदार फ्लेवर आता है इससे भी। और थोड़ा सा पानी डाल के मसालों को हम पानी के अंदर भिगो लेंगे, इससे क्या होगा कि जब मसाले हम पकाएंगे ना मसाले जलेंगे नहीं, और पानी में रहने की वजह से मसाले फूल जाएंगे और इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा हमारी चना चाट के अंदर। तो ये मसाले हमारे हो चुके हैं, चलते हैं नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। यहाँ मैं प्रेशर कुकर ले रहा हूँ, प्रेशर कुकर में डाल रहा हूँ हमारे चने, जी हाँ जो भिगे हुए चने थे उसका पानी निकाल दिया था वो डाल रहा हूँ, थोड़ा सा इसके अंदर नमक और 1/2 कप इसके अंदर डाल रहा हूँ पानी, और इसके बाद इसको मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद इसके अंदर लगाएंगे 5 सीटी, जी हाँ मीडियम फ्लेम के ऊपर 5 सीटी लगानी है इसके अंदर, चने हमारे बिल्कुल सॉफ्ट हमें चाहिए तो मीडियम फ्लेम पर हम इसे 5 सीटी लगाएंगे। मीडियम फ्लेम पर देखिए मैंने 5 सीटी लगाए, मैं आपको दिखाता हूँ, चने अगर थोड़े हार्ड रह गए ना तो फिर चाट का मसाला खराब हो जाएगा। तो ये देखिए चने हमारे बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं, हार्ड नहीं रहने चाहिए, इसलिए मैं 5 सीटी लगा रहा हूँ मीडियम फ्लेम के ऊपर। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। यहाँ पर मैं ले रहा हूँ 1 कढ़ाई और कढ़ाई के अंदर डाल रहा हूँ 7 से 8 बड़े चम्मच ऑयल, और ऑयल को हमें करना है गर्म क्योंकि अभी आलू को फ्राई करेंगे। यहाँ पर इसका फ्लेवर बहुत अमेजिंग आता है जब ऑयल गर्म हो जाए ना, हाई फ्लेम पर ऑयल गर्म करना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और फ्लेम हमें मीडियम नहीं करनी, हाई फ्लेम ही रखनी है। आलू को हम इसके अंदर डाल देंगे, बॉयल आलू है, कच्चे आलू नहीं है। अगर कच्चे आलू हो तो आपको कम से कम 10 से 12 मिनट पकाने पड़ेंगे, लेकिन हमारे बॉयल आलू हैं तो हमें इसे पकाना है 3 से 4 मिनट, जी हाँ, जिससे क्या है कि आलू पे अच्छे से कलर आ जाए। और ये बॉयल आलू के जो फ्लेवर आता है ना चाट के अंदर, बस इसी का तो असली मज़ा होता है, वरना अगर हम उबले हुए आलू डालते ना वो फ्लेवर नहीं आता इसके अंदर। तो इसे मैंने पकाया देखिए 3 से 4 मिनट, आलू के ऊपर अच्छे से कलर आ चुका है और ये बिल्कुल क्रिस्पी भी हो चुके हैं, अगर आप ऐसे भी खाएंगे ना तो बहुत ही ज़्यादा टेस्ट लगेगा इसके अंदर आपको। तो बस आलू को हम निकाल के साइड में रखते हैं और नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। यहाँ पर 2 टेबल स्पून में डाल रहा हूँ वेजिटेबल ऑयल पैन के ऊपर, और ऑयल जब इसके अंदर गर्म हो जाएगा तो यहाँ पर मैं डाल रहा हूँ 1 टीस्पून जीरा, जी हाँ साबुत जीरा इसके अंदर डाल रहा हूँ, जीरे का फ्लेवर ही बहुत अमेजिंग होता है इसके अंदर। जीरा डालने के बाद इसे 30 से 40 मिनट इसको पका लेना है, जीरा हमारा चटक जाए और इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाए, कच्चा फ्लेवर इसके अंदर नहीं रहना चाहिए जीरे का। तो 30 से 40 मिनट मैंने इसे पकाया, सेकंड पकाया और ये डाल दूंगा मसाला, मसाले का हम इसके अंदर डाल देंगे और जो थोड़ा सा बॉल में रह गया था मसाला उसमें पानी मिला के वो भी हम इसके अंदर डाल देंगे। इसे भी मीडियम फ्लेम पर हमें मसाले को पकाना है, इसे तब तक पकाना है कि मसाला हमारा दानेदार हो जाए और ये ऑयल रिलीज़ कर दे बस ये। तो देखिए मसाला हमारा दानेदार हो चुका है ना इस तरह से, और ये ऑयल रिलीज़ कर रहा है, बिल्कुल ऑयल भी इसने रिलीज़ कर दिया, क्योंकि आपको मालूम है जब चना चाट आप खाते हैं तो चने के ऊपर एक अच्छा सा मसाला लगा हुआ होता है, वो इसी मसाले का कमाल होता है। तो बस इसके ऊपर हम डाल देंगे हमारे ये चने और बस इसके बाद इसे पकाएंगे मीडियम फ्लेम के ऊपर। जो पानी है ना इस पानी को बिल्कुल हमें ड्राई करना है। अभी आप देखिए चने के ऊपर बिल्कुल मसाला नहीं लग रहा ना, जब चाट खाते हैं तो मसाला उसके ऊपर लगा हुआ होता है, तो ये मसाला अभी जब इसको ड्राई कर देंगे ना पकाते पकाते
तीन से चार मिनट लगेंगे इसे पकाने में। फिर देखिए आप, ये देखिए तीन से चार मिनट मैंने इसे पकाया और मैं आपको दिखाता हूँ इस चने के ऊपर ही मसाला बिल्कुल अच्छी तरह से कोट हो चुका है। ये मसाले का ही फ्लेवर सबसे अमेजिंग आता है। तो बस अब चने को हम करेंगे ठंडा और ठंडा करने के बाद सारी इसकी तैयारी करेंगे। चने ठंडे हो चुके हैं, इसके अंदर हम डाल देंगे हमारे जो बॉयल आलू थे जिनको हमने फ्राई किया था वो डाल देंगे। एक टीस्पून इसके अंदर नमक, बाकी स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। और इसके बाद डालेंगे एक टीस्पून आमचूर पाउडर। चाट मसाला पाउडर हो तो आप चाट मसाला पाउडर डाल सकते हैं, मैं आमचूर पाउडर डाल रहा हूँ एक टीस्पून, भाई खट्टा अपने हिसाब से कर सकते हैं। एक टीस्पून डाल रहा हूँ इसके अंदर कश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ा तीखापन करने के लिए। बाकी हमारी ये सब्जियाँ हैं हरी मिर्च, प्याज, टमाटर, खीरा, ये सारे के सारे डाल देंगे इनका। और सब्जी आप कुछ और भी लेना चाहें तो आप इसके अंदर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जो आपको पसंद हो वो ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने इसके अंदर डाल दी है। एक नींबू का रस, जी हाँ, जो चटपटापन आएगा ना इसके अंदर, जो खट्टापन आएगा वो नींबू के रस से ही आएगा। एक नींबू का रस इसके अंदर डाल दिया, बारीक कटा हुआ इसके अंदर हमने डाल दिया हरा धनिया। और इसे अब क्या करना है, इसे करना है मिक्स। दोस्तों इतनी टेस्टी बनती है ये चाट जिसकी हद नहीं है, और घर में आप आसानी से बना सकते हैं। और मैंने आपको बताया ना कि अगर वेट लॉस कर रहे हैं ना आप, तो इसे भी आप यूज़ कर सकते हैं, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा और प्रोटीन इससे बहुत ज़्यादा मिलता है इसके अंदर। तो ये देखिए, ये हमारी चना चाट बिल्कुल हो चुकी है तैयार। इसे बना के ट्राई करके मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसी बनी थी। हाँ दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। नई रेसिपी नए वीडियो के साथ वापस हाजिर होता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।